अच्छा, आज की जो अटैक है वो मैक प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म हो चुका है और मैक यूज़र्स कंसिडर देयर सेल्फ वेरी सिक्योर, इनफैक्ट दे आर सिक्योर फाइन, बट देयर आर टू सिनेरियोस। फर्स्ट ये कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, और सेकंड ये कि वो एंड यूज़र जो है ना उसकी टेक्निकल बैकग्राउंड और टेक्निकल नॉलेज कितना है। इफ़ दे आर यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स वर्जन, सो दे आर नॉट सिक्योर। सेकेंडली ये कि चाहे जितना भी अपडेटेड वर्जन वो यूज़ कर रहे हैं, अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं, और जो एंड यूज़र हैं उसको टेक्निकल चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, सो दे आर नॉट सिक्योर। लाइक आज जो अटैक परफॉर्म हो चुका है मैक प्लेटफॉर्म पे, वी कैन कंसिडर दिस एज अ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो अटैक कुछ इस तरीके से परफॉर्म हुआ है कि एक जेन्युइन फाइल सर्च करने की कोशिश में लगे हुए थे फ्रॉम फाइल हिपो डाउनलोड डॉट कॉम, क्योंकि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बट द यूज़र वॉज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन वेबसाइट फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब, ठीक है। वो आपको दरअसल एक ऑप्शन दे भी रहे हैं कि आगे आपने ये प्रोसीड करना भी है या नहीं है, फाइन, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टाइम, फाइन। तो फिर वो जो एक क्लिक आपने कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इनफ, क्योंकि वो एक क्लिक ही आपको उसी प्लेटफॉर्म तक लेके जा रहे हैं जो हैकर ने और जो बैड गाय है, जो बैड इंटेंशन की वजह से उसने वो प्लेटफॉर्म और सर्वर बनवाया हुआ है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। द थिंग इज़ के क्या मिलेगा वहाँ तक आपको रीडायरेक्ट करने से, देर आर मल्टीपल रीजन्स, और ये अटैक जो है ना रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्री में आजकल हो भी रहे हैं और उसकी मल्टीपल रीजन्स हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ नाउअडेज माइनिंग, ठीक है, कि अटैकर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए जिसकी ग्राफिक्स और सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो, और वो आपकी बिहाफ पे उस सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर द माइनिंग पर्पस। फ्रंट एंड पे बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि वो एक वेबसाइट ओपन हो गया और आप ओनली जस्ट रीडायरेक्ट हो गए, बट एट द बैक एंड द थिंग इज़ के उसने जो बॉट बनवाने की कोशिश की, आपका सिस्टम बॉट बन गया, ज़ॉम्बी बन चुके हैं, आपकी सिस्टम के जो रिसोर्सेज है, जो इंटरनेट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग फॉर देयर पर्पस, इन दैट इज़ माइनिंग पर्पस। एक और सिनारियो ये भी हो सकता है कि एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन किसी प्लेटफॉर्म ने बनवाया हुआ है और वो बीटा वर्जन में है, एंड दे आर ट्राइंग टू इंस्टॉल दैट ऑपरेटिंग दैट एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। तो हर एक बंदे को वो तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आपके सिस्टम पे हमने जो है ना ये चलाना है, तो एक हैकर को हायर करके एक स्क्रिप्ट बनवाते हैं, फाइन, और वो स्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना फाइल को उस एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे रखते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपकी सिस्टम पे ऑटो डाउनलोड भी हो जाएगा और ऑटो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये इंडस्ट्री में आजकल जो है ना एक चैलेंज है, एंड इट्स कॉल्ड फाइललेस मैलवेयर। फाइल है लेकिन नहीं है, क्योंकि वो एक जेन्युइन प्रोसेस जो चल रहा है, जेन्युइन एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, वो ख़ुद को उस फाइल के साथ अटैच करके जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने उस फाइल को ढूंढने की कोशिश की, वो आपको नहीं मिलेगा। द थिंग इज़ बिकॉज इट्स अ फाइललेस मैलवेयर, वो एक जेन्युइन एप्लीकेशन के साथ खुद को अटैच कर रहा है। अगर उस जेन्युइन एप्लीकेशन को आप क्लोज करने की कोशिश करोगे, ये जेन्युइन एप्लीकेशन वर्ड भी हो सकता है, VLC भी हो सकता है, कोई ब्राउज़र भी हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, तो वो जो रियल एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जो जेन्युइन है, वो भी क्लोज हो जाएगा और वो आपको मिलेगा नहीं, जो कि इंडस्ट्री में ये एक चैलेंज है। प्रिवेंशन है इसकी, सबसे पहले तो ये है कि उसको इन चीज़ों का टेक्निकल थोड़ा सा आइडिया हो कि कौन से लिंक पे मैंने क्लिक करना है, कौन सा फाइल जो है ना वो मैंने क्लिक करना है, और इसके साथ जो है ना कोई फाइल जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको और भी देते हैं कि आपको ये ऑप्शन चाहिए, ये एप्लीकेशन चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो इनेबल डिसेबल करना है आपने। बट मोस्ट सिनारियोज़ में ये भी है कि वो ऑप्शंस ओनली ऑप्शंस ही हैं, चाहे वो आप इनेबल करें, डिसेबल करें, उस ऑप्शन पे क्लिक करें या ना करें, हैकर ने, डेवलपर ने और क्रैकर ने जिस पर्पस के लिए ये स्क्रिप्ट बनवाया हुआ है, फाइन, वो काम तो वो लाजमी करेगा। उसे क्या चाहिए? ओनली वन क्लिक, और वो क्लिक आपको रीडायरेक्ट करके वहाँ तक पहुँचा देगा। थैंक यू।